हैदराबाद के कई हिस्सों में लगातार बारिश के कारण अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें से 9 लोगों की मौत बदलागुड़ा के मोहम्मदिया हिल्स में दीवार गिरने से हुई। देश के सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में भी कोरोना का ग्राफ काफी नीचे आ गया है। राज्य में 24 घंटे में करीब 8,500 नए मरीज आए सामने, जबकि 187 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र की कोरोना रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ। राज्य के करीब 13 लाख कोरोना मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी इलाके में कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर एक युवक ने दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरी के डॉक्टर और कर्मचारी को पीट दिया। दरअसल रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर अगले दिन ही युवक ने सरकारी अस्पताल में जाकर जांच करवाई तो रिपोर्ट नेगेटिव आई। हाथरस में चचेरे भाई ने की 6 वर्षीय बच्चे के साथ दरिंदगी। बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी उसके पड़ोस में रहने वाले उसका ही 20 वर्षीय चचेरे भाई ने उसे टॉफी दिलाने के बहाने अपने घर ले गया, जहां उसने बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना डाला। हाथरस कांड में डीएम के बयान पर अदालत ने दिखाई सख्ती। अगली सुनवाई में निलंबित एसपी की पेशी। मध्य प्रदेश के गांव में विवाहित जोड़े के रिश्तेदार के साथ हुए विवाद के बाद एक 5 वर्षीय लड़की सहित एक परिवार के 9 सदस्य गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पुलिस अधिकारी ने दी इसकी जानकारी। दुनिया में कोरोना के मामले 3.80 करोड़ हो चुके हैं। रोजाना 2.5 लाख से अधिक संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। भारत में कोरोना के कुल मामले 71 लाख भले ही हो चुके हैं, लेकिन दैनिक पुष्ट मामलों में कमी आई है। हालांकि और सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि ब्रिटेन जैसे देश में जहां दैनिक पुष्ट मामले 1,000 से भी कम रह गए थे, वहां अब रोजाना 10,000 से भी ज्यादा संक्रमित सामने आने लगे हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय द्वारा सितंबर में जारी 73 विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार अब 25 अक्टूबर 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के फ्रेंचाइजी टीम दिल्ली कैपिटल्स के अनुभवी तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा चोट के कारण आईपीएल के मौजूदा 13वें सीजन से बाहर हो गए हैं। ईशांत इस सत्र में सिर्फ सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ ही मैच खेल पाए थे, जिसमें उन्हें विकेट नहीं मिल पाया था। ईशांत टूर्नामेंट से बाहर होने वाले स्पिनर अमित मिश्रा के बाद टीम के दूसरे गेंदबाज हैं।